नमस्कार, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ा फैसला सुनाया है जिसके मुताबिक एससी एसटी कर्मचारियों को सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने ये बहुत बड़ा फैसला सुनाया है और अब जो एससी एसटी उम्मीदवार जो सरकारी नौकरियों में बैठे हुए हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं, उन कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है, क्योंकि जितने भी लोग सरकारी कर्मचारी हैं उनमें किसी खास वर्ग को सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2006 के एम नागराजन फैसले को सही माना है और उस पर दोबारा सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है जो एससी एसटी कर्मचारी हैं उन्हें सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा फैसला आज देश की सर्वोच्च अदालत के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने सुनाई है और अब साफ हो गया है, इस पर अब दोबारा सुनवाई नहीं होगी और किसी तरह का भेदभाव करके किसी को प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा। अपनी काबिलियत के बल पर सबको पदोन्नति मिलेगी, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुनाया है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।